अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने 12.4 से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी वो बता दी हैं। कुछ हाफ एंगल फॉर्मूले मैंने पढ़ा दिए आप लोगों को, प्रूफ भी करवा दिए हैं। टेंजेंट का केस रह गया बस, और एरिया ऑफ ट्राइंगल के जितने केसेस थे उनके डेरिवेशन भी करवा दिए, समझा भी दिए, हर चीज़ डिटेल से बता दिए। अब 12.4 पे आ जाओ। 12.4 के अगर आप क्वेश्चंस देखो ना, तो शुरू के 11 क्वेश्चन जो हैं वो जस्ट आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। वो क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से हैं, 5 नंबर में सेंस ही नहीं बनती उनकी। बस आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं वो, ठीक है। जो शुरू के 4 क्वेश्चन हैं ना, वो केस 2 से रिलेटेड है, जब आपके पास दो एंगल और एक साइड गिवन हो और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना हो। जो उसके बाद के 4 केसेस हैं, मतलब 5 से लेके 8 तक, वो है केस 2 से रिलेटेड, जब आपके पास दो साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे। और उसके बाद जो 3 है, मतलब 9 से लेके 11 तक, वो केस 3 से रिलेटेड है, जब तीनों साइड गिवन हो तब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे। तो मैं तीनों के एक एक पार्ट करवा दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए किस तरह अप्लाई करना है। वैसे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। शुरू के 4 क्वेश्चन सेम है तो मैंने 4 क्वेश्चन पिक करवा लिए। उसमें दो एंगल गिवन है, अल्फा बीटा, और एक साइड गिवन है सी। अब आपको क्या करना है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अच्छा, ये सवाल सिमिलर है 12.3 से। 12.2 का पहले क्वेश्चन में भी इस टाइप के क्वेश्चन थे, बस वहाँ क्वेश्चन ये हुआ करता था सॉल्व द ट्रायंगल। जब लिखा हुआ है कि ट्रायंगल को सॉल्व करो, इसका मतलब है कि बाकी 3 अननोन है उनकी भी वैल्यू निकालो। बाकी 3 कौन से अननोन होंगे, एक तो गैमा और बाकी 2 साइड ए और बी, ठीक है। जब लिखा है सॉल्व द ट्रायंगल तो आप ये काम करोगे। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले ये लगाते, उसके बाद 2 दफ़ा साइन लॉ यूज़ करते तो आपके पास अननोन आ जाते। लेकिन जब आपके पास इस सवाल में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब आपको एरिया ही निकालना है, आपको ट्रायंगल को सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो इसमें अननोन की वैल्यू निकालना मकसद नहीं है, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना मकसद है। ये फ़र्क है उनमें और इनमें। सबसे पहले आप क्या करो, आपको पता है केस 2 में जितने भी 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने केस 2 के अंदर, उसमें सब में 3 एंगल आ रहे थे, एक साइड और 3 एंगल आ रहे थे। अब गिवन 2 एंगल है, तो सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आपने तीसरा एंगल निकाल लेना है। अल्फा बीटा गिवन है, आपको पता है सम ऑफ एंगल ट्रायंगल में 180 डिग्री के बराबर होते हैं, यहाँ से गैमा की वैल्यू निकालो, 100 डिग्री आ जाएगी। उसके बाद 3 जो फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने केस 3 के अंदर, उसमें से आपने वो वाला फॉर्मूला चूज़ करना है जिसमें जो साइड गिवन है। देखो, एंगल तो तीनों गिवन होंगे, तीनों फॉर्मूलों में तीनों एंगल हैं, तो एंगल के जरिए से तो नहीं आप पहचान पाओगे कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। आप पहचानोगे साइड देख के, आपको एक ही साइड गिवन है सी, तो उसका मतलब है वो वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे जिसमें सी आ रहा है। अगर यहाँ पे आप यूज़ कर लेते ए वाला तो मसला आ जाता आपको, आपको पहले ए फाइंड करना पड़ जाता, उसके बाद फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जो साइड गिवन है वो वाला फॉर्मूला पे इस्तेमाल करोगे। सी की वैल्यू क्या है, 90, वो आप पुट करो, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा है 30, बीटा है 50, गैमा है 100। इस पूरी चीज़ को कैलकुलेटर में सॉल्व करो, आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 1575.17 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, जो लेंथ होती है ना उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर, ये यूनिट होता है। जो एरिया होता है उसका यूनिट जो होता है वो स्क्वायर हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर और फिट स्क्वायर, कुछ मिलीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, कुछ भी आप स्क्वायर कर दो, ठीक है। और वॉल्यूम जो होता है उसमें क्यूब हो जाता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और इस टाइप करके, ये इनके यूनिट में फ़र्क होता है। कन्वर्जन भी आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो जब आपने मीटर से सेंटीमीटर में जाना होगा, आप सिंपल मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, ठीक है। और आपको ये भी बताना चाहिए एक सेंटीमीटर के अंदर 1×10^-2 मीटर होते हैं। ये कैसे आया, 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर के, आप 100 को जाके यहाँ डिवाइड कर दो 1 से, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर के। 1/100 को लिखने का तरीका ये है कि 1×10^-2, साइंटिफिक नोटेशन जो होती है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1×10^-2 मीटर। तो कभी आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो, लेट से 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और 5 सेंटीमीटर से आपको मीटर में जाना है, तो आप 5 को मल्टीप्लाई कर दो, इससे आप मीटर में चले जाओगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये तो है नॉर्मल लेंथ की कैलकुलेशन। अगर एरिया की कैलकुलेशन करनी है वो किस तरह करोगे, सिंपल। अगर आपको पता करना है कि एक मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, तो सिंपल आपने स्क्वायर किया ना, इसको आप स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, और इसको भी स्क्वायर कर दो। 100 का स्क्वायर क्या होगा,
10,000, ठीक है, मतलब 100 मल्टीप्लाई 100 चार जीरो आ जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। और अगर आपने ये मालूम करना है कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो आप इसको स्क्वायर कर दो, एक सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब इसके ऊपर स्क्वायर करोगे, इसकी पावर माइनस टू है, टू से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, माइनस फोर, हाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होगा 1×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आ गई है ना अभी। अगर आप लोग इंजीनियरिंग लोगे तो ये कैलकुलेशन आपको बहुत तंग करेंगे, ये तो बहुत बच्चों वाली कैलकुलेशन है। जब फिट आता है, इंचेज आते हैं, वो तो और मसला कर देते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक सी है, इनको आपको आना चाहिए। ये मैंने करवा दिया, वॉल्यूम में भी आपको जाना आना चाहिए। अगर आपको पता करना है एक मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप दोनों तरफ क्यूब ले लो, वो आ जाएगा। इसी तरह एक सेंटीमीटर क्यूब अगर आपने मालूम करना है कितने मीटर क्यूब है उसमें, तो इसका आप क्यूब कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जहन में आनी चाहिए, इसको कन्वर्जन को सीख लेना। आमतौर पर जो फिजिक्स की बुक होती है ना, मुझे याद आ रहा है, उसके एंड पे या शुरू में ये सब कन्वर्जन लिखी हुई होती है। उन्होंने ये भी बताया होता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनका क्या मतलब होता है, जैसे सेंटी, डेसी, नहीं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको और आगे चलता जाता है। ये तो माइनस की पावर है ना, पॉजिटिव पावर में अगर आप जाते जाओ तो क्या आता है, डेका, हेक्टा और किलो, मेगा, गीगा, टेरा, इस टाइप के आते रहते हैं। तो ये फिजिक्स की बुक में लिखा होगा, इसी तरह कन्वर्जन भी आप देख लेना तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये याद कर लेना क्योंकि आगे आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी काम आएगी एजुकेशनल कैरियर के अंदर। खैर कहाँ निकल गया हूँ मैं, अच्छा शुरू के चार क्वेश्चन थे उसमें से मैंने एक पार्ट करवा दिया। अब उसके बाद के चार क्वेश्चन हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें उन्होंने गिवन किया हुआ है दो साइड और एक एंगल गिवन किया हुआ है। तो जब दो साइड और एक एंगल गिवन हो और ये इनका इंक्लूडेड एंगल है, मतलब अगर आप ट्राइंगल बनाओ ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए के सामने वाली साइड ए होती है, बी के सामने वाली बी होती है, ठीक है। तो उन्होंने ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और गैमा, गैमा सी पे बनता है, ठीक है। तो ए और बी के दरमियान वाला एंगल गिवन किया हुआ है, तब आप केस वन अप्लाई करोगे, वरना केस वन अप्लाई नहीं हो सकता। अगर यहाँ अल्फा दिया होता तो आपके लिए मसला हो जाता, फिर आप मतलब देंगे नहीं, लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ, अगर अल्फा दिया होता तो मसला हो जाता है यहाँ पे, लेकिन ना वो देंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ए और बी और उनके दरमियान वाला एंगल गिवन हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। फॉर्मूला किस तरह याद करोगे आप लोग, दो साइड गिवन है तो ए बी लिख दो, और ए और बी पे, ए और बी के सामने कौन कौन सा एंगल होता है, अल्फा और बीटा, उसको हटा के तीसरा एंगल क्या होता है, गैमा, तो वो फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरह अगर आप बी सी लिखना चाह रहे हो, 1/2 BC, एंगल क्या आएगा इसके साथ, अल्फा, क्योंकि बी और सी के सामने बीटा और गैमा होता है, तीसरा एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। तो मैंने बताया था किस तरह याद करोगे इन फॉर्मूलों को, ए और बी की वैल्यूज पुट करो, गैमा की वैल्यूज पुट करो, इसको सॉल्व करो, तो एरिया आपके पास आ जाएगा 241.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि जो लेंथ है वो सेंटीमीटर के अंदर है, तो एरिया भी फिर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर होगा। अगर लेंथ मीटर के अंदर होती तो जो आप एरिया आप निकालते तो वो भी क्या होता, मीटर स्क्वायर होता। क्योंकि अगर आप गौर से देखो यहाँ पे ये जो ए लिखा हुआ है, ए क्या था, 40 सेंटीमीटर, ये क्या था, 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और बाकी इसकी तो वैल्यू थी, कोई यूनिट नहीं था। अगर आप साइन 142.8 निकालोगे तो कोई यूनिट नहीं है, वैल्यू आएगी आपके पास, उसका तो यूनिट नहीं है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए थे। तो जिसमें मतलब जो यूनिट गिवन होगा सवाल में, वही आपका एरिया का यूनिट होगा और आप स्क्वायर कर देना उसको। एक और चीज़ बता दो, मेरे जहन से निकल गई है, लास्ट वीडियो मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंबल ये होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर की अपनी बुक देखो ना, तो उन्होंने ये वाला सिंबल यूज़ किया होता है, मतलब इसको कलर किया होता है बस, और कोई फर्क नहीं है। तो अगर आप सेकंड ईयर की बुक देखो ना, सेकंड ईयर में उन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये वाला सिंबल यूज़ किया हुआ है, और फर्स्ट ईयर में उन्होंने ये वाला यूज़ किया हुआ है, तो मैटर नहीं करता। मुझे पता था कोई सवाल पूछना ले मुझसे, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, मैंने बना भी दिया है ताकि आप लोगों को पता हो बुक में बनाया हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंबल ही है ये। तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, इसको कम यूज़ करना क्योंकि क्या कलर करने, पेंटिंग करने लग जाओगे। ये वाला यूज़ करना ये आसान होता है, लेकिन बता दिया है कि सेकेंड ईयर में ये उन्होंने लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर में उन्होंने ये लिखा हुआ है, जो भी आपने यूज़ करना यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं है इनमें खास। अच्छा जी, उसके बाद 9, 10, 11 ये तीनों एक जैसे हैं। इसमें क्या गिवन है, तीन साइड्स आपको गिवन है और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। किस तरह सॉल्व करोगे, सिंपल ये वाला फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जब तीन साइड गिवन हो। इसमें एक तो ए बी सी आपको पता होता है, सवाल में गिवन है, एस होता है जो नहीं पता। एस किस तरह निकालोगे, एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू। सब चीज़ें मैंने लिखी है, डिवाइड बाय टू करो कैलकुलेटर में और राउंड ऑफ कर दो। अब वो 3 decimal places तक करना चाह रहे हो, 4 तक करना चाह रहे हो, आपकी मर्ज़ी है, राउंड ऑफ करके एस की वैल्यू लिख दो।
उसके बाद देखो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करो, मतलब एस माइनस ए की डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करोगे, ये पूरी चीज़ जो है ना जो मैंने यहाँ कैलकुलेट की हुई है, अगर इस फॉर्मूले में लिखोगे ना तो फॉर्मूला आपका इतना लंबा सा हो जाएगा, तो मसला होगा। बेहतर है आप ऊपर ही कैलकुलेशन कर लो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की। एस है ये वाली चीज़ और ए है रूट 13, इधर बी रूट 17 और सी रूट 26 हो जाएगा। इन सबको सॉल्व करो, राउंड ऑफ करो, तो आपके पास से तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब जब ये आ जाए टोटल चार वैल्यूज़, एक दो तीन चार, तो आप क्या करो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, फॉर्मूले के अंदर पुट करो, सबको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा। जब आप रूट लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.3656 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी अगेन यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है क्योंकि एरिया है। किसी स्टूडेंट के जहन में आ सकता है कि इन सबका यूनिट सेंटीमीटर है ना, इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटी, इसका भी सेंटीमीटर और इसका भी, तो जब सबको मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर 4 हो जाना चाहिए, तो सेंटीमीटर 4 ही हुआ है। उसके बाद जब आप रूट लोगे तो सेंटीमीटर 4 का रूट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला सीन है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे पार्ट हैं शुरू के 11 जो पेपर में आते नहीं है, बस फॉर्मूला आपने अप्लाई करना होता है। बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम है जो बाकी तीन रह गए वो ज़्यादातर पेपर में आते हैं।